नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं सुबह की बड़ी खबरें। इसराइल में रहने वाले भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी से युद्ध खत्म कराने की अपील की है। रीना पुष्करणा का कहना है कि मोदी जी ही शांति ला सकते हैं। डीजीपी ने महाकुंभ में शराब और मांसाहार सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाने का आदेश दिया है। पुलिसकर्मियों की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। भारतीय महिला टीम का T20 विश्व कप में प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत की आवश्यकता है। स्त्री 2 फीट ने 55 दिन में 595.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि देवरा का क्रेज अब कम होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में एक जीवित आरोपी को मृत मान लिया, जिससे सीबीआई जांच पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से महाराष्ट्र में 7600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें नागपुर हवाई अड्डे का उन्नयन शामिल है। अमेठी में शिक्षक हत्याकांड में चंदन वर्मा और पूनम के रिश्ते बिगड़ने का नया खुलासा हुआ। पुलिस ने चंदन का एक प्रेम पत्र भी बरामद किया है। भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में ग्वालियर में 7 विकेट से जीत हासिल की। अब उनकी नजरें दिल्ली में होने वाले दूसरे मैच पर हैं। उच्च न्यायालय बुधवार को सोनम वांगचुक और अन्य के विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की अनुमति नहीं मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 56 दिन में 126 फैसले लिए, जिनका लाभ किसानों, दलितों और युवाओं को मिला। भाजपा ने गैर जाट वोटों को लामबंद कर जीत हासिल की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह हो सकती है, हालांकि गाजा गंभीर मानवीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।